नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पुष्कर सिंह धामी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझ गया है। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी है। चुनाव से ठीक पहले परिसंपत्तियों का विवाद सुलझने से सरकार से लेकर संगठनों में काफी ज्यादा खुशी है। हालांकि विपक्ष अब भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर परिसंपत्ति विवाद मामले को लटकाए रखा ताकि चुनावों में इसका लाभ मिल सके। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद मामले का निस्तारण हो गया है। इस विवाद को सीएम धामी ने सुलझाने का दावा किया था। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी है। सीएम धामी ने बताया कि करीब 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत वन विभाग, सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों की 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया गया। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा। सीएम योगी ने बहुत शांति से सभी बात सुनी। बैठक में सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। जो मुद्दे बचे हैं वो भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। मैं सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि 21 वर्ष पुराने मामले जो हमारे लंबित प्रकरण थे दोनों राज्यों की परिसंपत्तियों के बंटवारे के, आज जो हमारी बैठक हुई है उस बैठक में सभी मामलों में सहमति बन गई है, सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो कोर्ट में, जो माननीय न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं दोनों राज्यों के, वो इस पर भी सहमति बनी है कि दोनों राज्य उसको वापस ले लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर परिसंपत्तियों के बंटवारे में सबसे बड़ा मामला सिंचाई विभाग का था, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान, इस पर 15 दिन का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद दोनों राज्यों का, जो भी उत्तर प्रदेश को जितनी आवश्यकता होगी उस सर्वे के आधार पर वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें 205 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं किन किन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर 2021 में किया जाएगा और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। कीछा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखंड को 15 दिन के अंदर हस्तांतरित किया जाएगा। वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड को किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई है। अब चलिए एक नजर उन लंबित मुद्दों पर भी डाल लेते हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला के 687.575 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशस्त्र मंजूरी दी गई। यूएस नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशस्त्र मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौला, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित
और आधी के धनराशि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिलनी है। वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था, जिसका 36 करोड़ बकाया है। अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय भी होना है। अब सरकार तो इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार के मंशा पर सवाल उठाने के साथ ही सरकार के परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने के दावों को सिर्फ हवा हवाई बता रहा है। कह रहे हैं वो कहने से होता है, मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कर रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 24,000 लोग हमने नौकरी दे दी मुख्यमंत्री का। वही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कम करूंगा काम ज्यादा करूंगा, और ठीक उसके उलट काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां का मामला उन्होंने सुलझा दिया। बताएं क्या सुलझा दिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है, क्या वो ले लिया उन्होंने वापस? वो उसका आदेश हो गया क्या? क्या वहां पर जो नहर है, जो सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां हैं, वो क्या हमें मिल गई हैं? क्या चंपावत में जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के राज्य के अंदर संपत्तियां हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश को मिल गई हैं? ये सब खाली बेमतलब की बातें कर रहे हैं। देखिए धामी जी खाली लिफाफा पकड़ाकर चुनावी वाहवाही लूटना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है इन परिसंपत्ति विवाद के पीछे असली कारण भारतीय जनता पार्टी है। जब राज्य विभाजन हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, तो इन्होंने गलत समझौते करवाकर हमारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के कब्जे में करवा दी और एक विवाद खड़ा कर दिया। अब से लेकर आज तक इन 21 सालों में दो बार भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत होती तो ये मामला बहुत पहले सुलझ चुका होता, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिंचाई मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके हमारी कई परिसंपत्तियां, कई हजार हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश के कब्जे में करवा दी। आज जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं और यहां पर धामी जी को हार सामने नजर आ रही है, उस हार की डर से उन्होंने लखनऊ की दौड़ लगाई और एक ही बिरादरी के दो नेता आपस में मिलकर उसमें से एक नेता बयान जारी कर देते हैं कि हमने परिसंपत्ति विवाद सुलझा लिया है। ये सरासर गलत है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देखना होगा आगे की कार्रवाई कब तक पूरी की जाती है, साथ ही अन्य लंबित परिसंपत्ति मामलों पर कब तक सहमति बनती है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इसके साथ ही इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में जरूर भुराएगी। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को चुनाव में परिसंपत्ति विवाद सुलझाने का फायदा मिल पाएगा या नहीं। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सागर विश्व के साथ सुभाष गौर की रिपोर्ट। तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या क्या आ रही है वो सुनना भी जरूरी है। वो कहने से होता है, मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कर रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 24,000 लोगों को नौकरी दे दी। मुख्यमंत्री का वही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं बातें कम करूंगा काम ज्यादा करूंगा, और ठीक उसके उलट काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां का मामला उन्होंने सुलझा दिया। बताएं क्या सुलझा दिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है, क्या वो ले लिया उन्होंने वापस? वो उसका आदेश हो गया क्या? क्या वहां पर जो नहर है, जो सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां हैं, वो क्या हमें मिल गई हैं? क्या चंपावत में जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के राज्य के अंदर संपत्तियां हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश को मिल गई हैं? ये सब खाली बेमतलब की बातें कर रहे हैं। देखिए धामी जी खाली लिफाफा पकड़ाकर चुनावी वाहवाही लूटना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है इन परिसंपत्ति विवाद के पीछे असली कारण भारतीय जनता पार्टी है। जब राज्य विभाजन हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, तो इन्होंने गलत समझौते करवाकर हमारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के कब्जे में करवा दी और एक विवाद खड़ा कर दिया। तब से लेकर आज तक इन 21 सालों में दो बार भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत होती तो ये मामला बहुत पहले सुलझ चुका होता, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
सिंचाई मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके हमारी कई परिसंपत्तियां, कई हजार हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश के कब्जे में करवा दी। आज जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं और यहां पर धामी जी को हार सामने नजर आ रही है, उस हार की डर से उन्होंने लखनऊ की दौड़ लगाई और एक ही बिरादरी के 2 नेता आपस में मिलकर उसमें से एक नेता बयान जारी कर देते हैं कि हमने पर्वत संपत्ति विवाद सुलझा लिया है। ये सरासर गलत है। तो सुना आपने, विपक्ष अब भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या किया है, खाली लिफाफा पकड़ा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 20,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद सुलझा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सही है, क्या गलत है, कितना अब 21 सालों बाद यहां पर चीजें मिलती हुई नजर आएंगी या नहीं, इस पर सवाल जवाब करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुनीता बड़ोई विद्यार्थी हैं, बीजेपी से हैं, अमरेंद्र प्रवक्ता हैं आपसे, वहीं हमारे साथ सीधे देवभूमि से सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के तिलक चावला जी भी बने हुए हैं। तिलक जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगे। तिलक जी, आप तो देवभूमि में बैठे हुए हैं, 21 साल का दंश झेल रही थी देवभूमि, क्या अब लग रहा है कि अब उद्धार होगा? धीरेन्द्र प्रताप जी भी यहाँ पर है, सुनीता जी भी यहाँ पर है और अरविंदर जी भी यहाँ पर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है या इतिहास है, तो वो इतिहास तो फिर तो तिवारी जी ने भी रचा था, वो इतिहास तो फिर खंडूरी जी ने भी रचा था, वो इतिहास तो फिर विजय बोगड़ा ने भी रचा था, और वो इतिहास तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी रचा था, और वो इतिहास आज फिर पुष्कर सिंह धामी जी रच रहे हैं। वो इतिहास कौन सा इतिहास है? मैं इतिहास के पन्नों को पलटूंगा तो कई अध्याय जुड़े हुए हैं उस इतिहास से, और परिसंपत्तियों का विवाद तो धीरेन्द्र प्रताप जी अच्छी तरह जानते हैं कि किसका मुद्दा है, क्यों ये परिसंपत्तियों का विवाद है। और सुनीता जी को खंडूरी जी ने फिर इसका मतलब सार्वजनिक रूप से झूठ बोला, और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो 4 साल पहले 4 नवंबर 2017 को कहा था, फिर वो क्या था? और फिर वो परिसंपत्तियों का विवाद सुलझाने का दावा जो आम आदमी पार्टी कर रही है, फिर वो कौन सी परिसंपत्तियों का विवाद है? आज सवाल यही से शुरू करते हैं जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए, सुलझ गया क्या परिसंपत्तियों का विवाद? पूछता है उत्तराखंड। मैडम, ये सहमति हम पिछले सालों से बनती हुई देखते आ रहे हैं, यही सहमति मैंने कहा था, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए। यही सहमति कैसे कर रहा हूं, धीरेन्द्र प्रताप जी गवाह है उसके, पूछिए धीरेन्द्र प्रताप जी से, मैं झूठ बोल रहा हूं? धीरेन्द्र प्रताप जी, मैं झूठ बोल रहा हूं? ये कौन सी पंचसंपत्तियों का विवाद सुलझाने की बात हो रही है? इसका मतलब फिर आपने झूठ बोला था, बोगड़ा जी ने झूठ बोला था, तिवारी जी ने झूठ बोला था, फिर कौन झूठ बोल रहा था आज बताइए पूरे उत्तराखंड को? नहीं देखिए, अब ये जो धीरेन्द्र प्रताप जी बोलिए, आप बोलिए जी, धीरेन्द्र प्रताप जी धीरेन्द्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? धीरेन्द्र जी सुन पा रहे हैं आप? लोगों को सामने देखते हुए भाजपा इस तरह का वो एक नाटक कर रही है। अगर भाजपा ने सचमुच किया है तो ये सही मांग है जिस पर आपका सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए। आप लेकर आए थे क्या? धीरेन्द्र जी, हम लेकर नहीं आए, हमारी अब सरकार नहीं है, जब दे तब पर... तब आपने झूठ बोला था, समस्याओं को पैदा करता, उनका कोई निराकरण नहीं करता। आज वैसे भी पूरे देश में भाजपा के नेतृत्व की करारी हार हुई है, आपको मालूम है 3 किसान कानून आज वापस देने पड़े। मुझे धीरेन्द्र जी सब कुछ मालूम है, लेकिन विषय परिसंपत्तियों का विवाद है,
परिसंपत्तियों के बंटवारे को सब चीजों पर हम उनसे जवाब चाहते कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही कि राज्य में सरकार भी और मनमोहन सरकार भी तो होना चाहिए था तब आज लिखा जा सकता था क्योंकि नीरज ने जिस प्रकार से कोशिश हर विवाद को सुलझाने निश्चित रूप से सराहनीय है कौन तिलक जी ठीक है थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है कुछ टेक्निकल इश्यू है इसे हम सुलझा रहे हैं तब तक तिलक जी मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने देहरादून को बहुत करीब से देखा है आप बहुत अच्छे से देहरादून के बारे में सारी चीजें जानते हैं पूरे उत्तराखंड के बारे में जानते हैं तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि खाली लिफाफा पकड़ा दिया है पुष्कर सिंह धामी ने हार का डर था इस वजह से लखनऊ की दौड़ लगाई है पुष्कर सिंह धामी ने क्या ये सही है या वाकई कुछ होगा जरूर होगा क्योंकि परिसंपत्तियों के विवाद का जो विषय है अगर ये सुलझ जाए तो इसमें कोई शंका नहीं कि ये सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक होगा धामी जी का लेकिन सुलझेगा कैसे ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ये दावा तो तिवारी जी ने भी किया ये दावा तो खंडूरी जी ने भी किया ये दावा निशेष जी ने भी किया ये दावा कोरोना जी ने भी किया और हरीश रावत जी ने भी किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी किया जी ये दावा तो अब धामी जी भी कर रहे हैं मानव निष्ठवादी क्या मैं गलत बोल रहा हूं तिलक जी मनोज इष्टवाल जी हमारे साथ नहीं है और कुछ टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से दिक्कत हो रही है आवाज सही से नहीं आ पा रही है तो कनेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन यहां पर अगर सुनीता जी मेरी आवाज सुन पा रही है धीरेन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो धीरेन जी जनता को भरोसा जतलाना होगा ना आपको कि आपने कहा कि संपत्ति का विवाद सुना गया कैसे सुलझ गया क्या एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता जी आप लोगों ने की क्या सार्वजनिक रूप से दोनों राज्यों के अधिकारी सामने आए कि भैया हमारी इन परिसंपत्तियों पर विवाद सुलझ गया क्या सिर्फ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि और वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री भैया हमने विवाद को सुलझा लिया तो विवाद सुलझ गया बस बात खत्म ये माना तो प्रोग्राम ने भी किया था कैसे यकीन मान लेते अरे तारीख के साथ बता रहा हूँ आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये दावा किया था कि हमने परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया मैं कैसे यकीन मान लूं पूछता है उत्तराखंड बताइए देखिए ऐसा है जब पूर्व मुख्यमंत्री जी रावत उन्होंने उठाया था और 2019 और लगा गई थी और मैं यहाँ पे बताता हूँ पहले भी हमने की है हमारे को बहुत नहरों में पहले भी लेकिन अभी कुछ टेक्निक जो कोर्ट में लंबी हमारी बहुत सारे पॉइंट है तो हम ये आने वाले समय देखें कि ये भी हमारे उसमें है वो भी जैसा भी हमसे निर्देश मिलता है हमारे पास पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम उसको कितनी बार अधिकारियों ने पूरे मुद्दे को लेकर बैठक की देखिए सदा में बैठे हुए और आप कह रहे हैं कि परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री देखिए तिलक जी जहां तक बीजेपी का सवाल है दरअसल इस समस्या की जो जड़ है वो बीजेपी है जब ये उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना उस समय इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था
जब भी किसी परिवार का बंटवारा होता है तो सबसे पहले उसकी संपत्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने इस बंटवारे को होने नहीं दिया। और उसके बाद की जो पूरी कहानी है वो विजय बहुगुणा जी, त्रिवेंद्र रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, वो सारी कहानी आपने इस चर्चा के शुरू में बहुत स्पष्ट कर दी कि इसके लिए दोषी कौन है। और त्रिवेंद्र जी के साथ ऐसी इस तरीके की बैठक हुई, अभी मुख्यमंत्री धामी जी इस तरीके की बैठक हो करके समाधान परिसंपत्तियों के बंटवारे के समाधान की बात कर रहे हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, आप इस बात को रिकॉर्ड, ये इस बात को रिकॉर्ड में रहेगा कि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार आएगी, दूसरा मुख्यमंत्री इन्हीं परिसंपत्तियों को के जो मसले हैं इन पर बात कर रहा होगा। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जी सर, हमारे पास क्यों दिख रहे आप? नहीं, मैं तो यदि ऐसा कुछ है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और ये बहुत लंबे समय से उलझा हुआ मामला है और अभी तक इस मामले में यदि कुछ हुआ तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बातें हो रही है जैसा आपने अपनी भूमिका में कह दिया है। और अभी भी सिर्फ जो मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई इसमें स्वीकार कर लेंगे तो फिर उनको परिसंपत्तियों की समस्या पर बात करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये जो उत्तराखंड राज्य है ये यहाँ के जो शहीद थे, यहाँ के जो नौजवान थे, उन्होंने छाती पर गोली खाकर हमारी माताओं हमारी बहनों की अस्मिता के साथ जो बीजेपी नेताओं से, बीजेपी नेता ये बोलने में तैयार नहीं कि राज्य हमने दिलाया। मैं तो किसी तरह का सवाल पूछा जी, राज्य भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में मिला हो, सरकार में मिला हो, लेकिन राज्य उत्तराखंडियों ने अपने आंदोलनों से आंदोलन कर सकते पाया है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। रही परिसंपत्तियों का बंटवारा, तो जब तक उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 78, 80, 81 और 82 पर विधानसभा
लखनऊ में चर्चा नहीं होती और विधानसभा इस चुप को अमेंडमेंट करके वापस नहीं लेता तब तक इन परिसंपत्तियों का बंटवारा एक बेमानी होगी। 57 है कि जमीन की हम बात कर रहे हैं कि साथ है तो पर फैमिली बन गई है 50-50 थी तो बरसात में तो सिर्फ अभी पराये के एक ही क्षेत्र की बात करूंगा कि हरिद्वार में 13,000 हेक्टेयर जमीन तो सिंचाई की है 4,000 हेक्टेयर से अधिक भवन कुंभ वहां अवेलेबल है। कुंभ कावड़ मेला क्षेत्र का 697.56 हेक्टेयर जमीन है तो ये जमीनें जमीनों का लगा दी है तो अरबों खरबों की जमीनें अभी जो है जिन पर बात हो रही है सिंचाई ग्रामीण शहरी विकास जल विद्युत उत्पादन और उत्पादन उद्योग पर्यटन कार्मिक इन सभी तमाम जमीनें पूरे तराई में चाहे वो उधर से आपके गंगा घाटी से हो फिर या फिर तराई क्षेत्र में आपके उधम सिंह नगर से लेकर अजमो बनबसों का फैला हुआ क्षेत्र हो नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो बहुत सारी जमीनों का बंटवारा होना है। अभी तक 21 साल से मास्टर स्ट्रोक लग रहा है सर वो सब कैश मखंडे के लिए तैयार हो रखे हैं गिरी नहीं है बाउंड्री में बाहर गिरती है बाउंड्री के अंदर गिरती है कैच होता है कि नहीं होता चुनावी समय है नजदीक आते ही सब कुछ हो जाता है लेकिन हाँ इस बार लग तो रहा है कि 57 हेक्टेयर जमीन का कुछ विवाद सुलझा है 1700 मकानों का आवासीय जो परिसर है उन पर विवाद सुलझा है ये इतना तो तय हुआ है कि इस समय बीजेपी में कुछ हुआ है 10 अप्रैल 2017-18 में त्रिवेंद्र रावत जी की पहल से यह हुआ था कि सारे विवाद सुलझ गए आज योगी जी भी बोल रहे हैं कि हमारा कोई विवाद ही नहीं है परिसीमन बंटवारे को लेके लेकिन अगर विवाद नहीं है तो फिर इतना सारा ये झमेला क्यों। हाँ झमेला क्यों अब मुझे एक बात कही सुनीता जी अब ये क्रेडिट किसको जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जाएगा या धामी जी को जाएगा अब बताइए तो बड़ी दिक्कत वाली कहानी इतनी मेहनत त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देखी है 4 साल पहले कहा था कि मैंने सुलझा लिया और आज सुलझ रहा है मामला बताइए क्रेडिट किसको देंगे आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को या पार्टी को जाएगा भाजपा को जाएगा क्या अच्छा क्रेडिट भाजपा को जाएगा अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ना बिस्ती मेरा वही सवाल है ना राज्य आपने दिलाया पहला मुख्यमंत्री का नाम बताइए मुझे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए नहीं बता देना आप पटेल जी के शासनकाल में अगर ये राज्य आपने दिलाया आप नहीं बोल रहे पहले राज्य का मुख्यमंत्री बताइए कौन था नित्यानंद स्वामी जी का नाम दे दीजिए सुनीता मैडम नहीं मुझे मालूम है नित्यानंद स्वामी सरकार थी उसके बाद एनडी तिवारी की सरकार आई उनके द्वारा प्रश्नकाल नहीं आपको जब अंतिम सरकार के बाद कौन सी रही एनडी तिवारी की रही उनकी इच्छा शक्ति कभी भी नहीं थी आप में अच्छे निर्णय राज्य कभी राज्य के कल्याण के लिए सोचा एनडी तिवारी जी का वो चाहते थे कि इस चीज का बंटवारा सही तरीके से हरीश रावत की सरकार को तो बोला जाता है का जो क्षेत्र हुआ करने का करने का सरकार है वो कांग्रेस सरकार ही है अरे सुनीता जी कहीं ऐसा तो नहीं था कि 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति विवाद को हम सुलझा लेंगे और लॉलीपॉप दे देंगे 2022 के लिए ऐसा तो नहीं था कहीं सुनीता जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 20,000 करोड़ का परिसंपत्ति विवाद सुलझा लेंगे लॉलीपॉप दे देंगे और 2022 पूरा तैयार फतह कर लिया हमें 2022 नहीं बिल्कुल नहीं मैडम देखिए ऐसा है वे हमारा सीधा हमने रखा हुआ है अपना मुद्दा कि हमारी भूमि सरकार के लिए प्राथमिकता है जो पाकिस्तान के लोगों पे काम कर रहे हैं बताइए मुझे महेंद्र प्रताप जी यहाँ है सुनीता जी आप हरीश रावत की सरकार का जिक्र बार बार कर रही हैं हरीश रावत की सरकार से हरीश रावत की सरकार ने कुछ नहीं किया और आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं सर
तभी 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 हम ये आप कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो ये जो हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार उससे पहले भी हो चुका है ये तो सुनीता जी से पहले भी हो चुका है ये तो तिलक जी अभी आपसे यही तो पूछ रहे थे मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही थी ठीक है अमरिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं उससे पहले अमरिंदर जी कुछ कहें मैं पूछूंगी आपसे कि आप बीजेपी पर सवाल तो बहुत उठा रहे हैं 21 सालों में जो ना हो पाया क्या आप सत्ता में आते कर देंगे निश्चित तौर पर ये तो बाकायदा शहीद स्थल पर जाकर के इतना आसान है बहुत आसान है बिल्कुल बिल्कुल आसान कैसे समझाइए आप एक बात बताइए कि दो दो भाइयों में बंटवारा होना है हमारी कुछ परिसंपत्तियों का मामला है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार को मिल बैठ करके आपस में कर लेना है इन दोनों अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार पिछले 20 सालों में 21 सालों में उत्तराखंड में रही उनकी मनसा ही इस बात को लेकर के नहीं रही कि अपनी परिसंपत्तियों के मामले को सुलझा लिया जाए यदि सुलझाना होता तो पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरिम सरकार बनी इस मामले को सुलझा सकती थी उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सरकार को दोष दिया अब कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है ये एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं तो निश्चित तौर पर इनकी मनसा ही नहीं है और अभी भी हम कह रहे हैं कि जैसे चुनाव में सरकार जा रही है और फिर इस तरीके का सुलझाने की बात कह रहे हैं और इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है इसको एक ये परिसंपत्तियों के मामले में राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी और पहली बार नहीं कर रही है इससे पहले भी त्रिवेंद्र जी और उनसे पहले सभी लोग आप भी तो राजनीति कर रहे हैं हम कहां राजनीति कर रहे हैं हम तो सुलझाने की बात कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि यदि हमको अवसर मिला तो हम इसको सुलझाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सुलझा ही पिछले 21 वर्षों में ट्रिपल इंजन तिलक जी ट्रिपल इंजन से नहीं सुलझ पा रहा है आते ही सुलझा देंगे निश्चित तौर पर हम दावा के इनके पास जादू की छड़ी है सारी समस्याओं का समाधान है इनके पास फ्री में तो नहीं दे देंगे फ्री की राजनीति आपको बहुत पसंद है देखिए हम अधिकार की राजनीति करते हैं फ्री की राजनीति नहीं करते हम उत्तराखंड के पानी पर यहाँ की जनता का अधिकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ के बिजली पर यहाँ के जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं आप इसको फ्री मत कहिए फ्री जी एक बात बताइए मैं मनोज जी के पास फिर जाऊंगा धीरेन्द्र जी आप तो राज्य आंदोलनकारी भी रहे अब इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का दावा भामी जी कर रहे हैं तो मुबारकबाद क्यों नहीं देते मेरे को समझ में नहीं आ रही धीरेन्द्र जी मुबारकबाद भी नहीं दे रहे हैं धीरेन्द्र जी क्या आपको आवाज आ रही है धीरेन्द्र जी को आवाज नहीं आ रही लेकिन क्या वाकई में ये सियासी मुद्दा बनेगा मनोज जी आपको क्या लगता है जो बनाने की कोशिश देखिए मैं इस समय सबके साथ ये है कि खिसियानी वाली खम्भन होने वाली बात है सब जानते हैं कि ज्यादातर प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है सब जानते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की 79 से 80 82 81 ये जो धाराएं बनी है धाराएं बनी है ये अमेंडमेंट नहीं हो पाएंगे विधानसभा सत्र में मनोज जी परिसंपत्तियों का मनोज जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी उससे पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो तब यह विवाद सुलझाया क्यों नहीं गया अब जब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं चुनाव सर पर है तब क्यों ये सारी चीजें याद आ रही है इसका मतलब तो साफ है कि राजनीतिकरण है मैडम राजनीतिकरण तो नरेंद्र तिवारी के समय ही था तो केंद्र में क्या कहते हैं बीजेपी सरकार नहीं थी ना उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस वक्त उधर जाना चाहिए था आप जल विद्युत परियोजना में धारा 79 की धारा 1 और खंड 5 में जाके देखेगा कि क्या परिसीमन की क्या परिभाषा है अब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो बस और फिर राजनीति करेंगे तो किस तरीके से हम ये तय कर पाएंगे कि हाँ ये सारा परिसीमन का बहुत अच्छे से बंटवारा हो रहा है
और 20,000 करोड़ की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये अरबों का लेन देन का सवाल है जी, और इस अरबों पे अभी भी क्या कहते हैं हाईकोर्ट पे 3600 मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इस सवाल जी, ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए राजनीति करने का, ये मुद्दा तो वो है उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये मुद्दा तो राजनीति का होना ही नहीं चाहिए। देखिए शहादतें भी हैं, शहादतें हर परिवार ने दी, और आज जो अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं मैं तो उसको भी बेमानी मानता हूँ। उत्तराखंड का हर बच्चा बच्चा राज्य आंदोलनकारी है, मेरा ये मानना है। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा मामला है 21 सालों का, और 21 सालों बाद परिसंपत्ति विवाद आखिरकार सुलझ गया है, ऐसा बीजेपी कह रही है। विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर वरिष्ठ पत्रकारों की हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये जो आज हो रहा है ये बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार जो भी सत्ता में आई उसने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, बैठ के की और सिर्फ फोटो सेशन हुआ, कोई एक स्टैंड नहीं लिया गया कि हाँ अब इन्हें जो उत्तराखंड वासी हैं इन्हें अब इस दंश से अलग कर दिया जाए, मुक्ति कर दिया जाए। तो सीधे आपको झांसी लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद। themselves to defend the nation, we also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries, and that's why it's important.